गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय चार रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरण हम ले रहे थे। बात हम करेंगे आज रासायनिक बंध की। बच्चों, अणुसूत्र हम आपको समझा चुके थे। आशा है आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ जो मैंने अभ्यास के लिए आपको दिया था वो आपने जरूर किया होगा और हो सकता है आपको सफलता भी मिली होगी। आगे बात हम बढ़ाते हैं अपनी। हम बात ये कर रहे थे बच्चों कि हर परमाणु जो है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, यानी अष्टक पूरा करना चाहता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों कि वो उसके लिए स्थायित्व की अवस्था होती है। तो हर परमाणु चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऐसा करने के लिए उसके पास तरीका होता है या तो इलेक्ट्रॉनों का लेना देना, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक हो जाए, या फिर अगर उन्हें ऐसा करने में सुविधा महसूस नहीं होती है बच्चों तो वो क्या कर सकते हैं, एक तरीका और भी है कि वो दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लें। साझे में दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, दोनों के बीच में या तो एक एक, दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है। तो जब हम एक एक करके रासायनिक बंध की बात करेंगे उसमें आपको ये स्थिति और साफ हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों रासायनिक बंध क्या है। तो जब भी परमाणु ने अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास किया तो इस प्रकार बच्चों परमाणु या आयन आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण कर लेते हैं, यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। अब वो यौगिक जिसमें कि या तो आयन उपस्थित हैं या परमाणु उपस्थित हैं, आपस में बंधा कैसे रहे? तो इसलिए एक आकर्षण बल ऐसा जरूर होना चाहिए उन अवयवी कणों के बीच में जिससे कि वो आपस में बंधे रह सके, और उसी आकर्षण बल को हम रासायनिक बंध के नाम से पुकारते हैं। तो रासायनिक बंध की परिभाषा लेंगे बच्चों हम। सबसे पहले किसी अणु के इसकी परिभाषा हम ऐसे करेंगे, किसी अणु के अवयवी कण, अवयवी कणों, अवयवी कण यानी जिससे मिलकर के वो अणु बना है। अब अवयवी कण आयन भी हो सकते हैं और आयन या परमाणु, परमाणु भी हो सकते हैं। आयन होंगे बच्चों जब अभी हम आयनिक बंध की बात करेंगे उसमें, और परमाणु हो सकते हैं आपके जब हम सहसंयोजक बंध की बात करेंगे। तो किसी अणु के अवयवी कणों आयन या परमाणु के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो उन्हें आपस में बांधे रखता है, रासायनिक बंध कहलाता है। किसी अणु के अवयवी कणों, अवयवी कण आयन या परमाणु के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो उन्हें आपस में बांधे रखता है, रासायनिक बंध कहलाता है। अब बच्चों ये जो रासायनिक बंध है उसी के कारण ये अणु आपस में, जो इसमें परमाणु उपस्थित है वो आपस में बंधे रहते हैं। इसके प्रकारों की यदि हम बात करें, कितने प्रकार के रासायनिक बंध हैं, हमें चार प्रकार के रासायनिक बंध बता रहे हैं। सबसे पहला है आपका आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध, तीसरा होता है बच्चों उप सह, सह संयोजक के पहले लग गया उप, उप सह संयोजक बंध, और चौथा बंध धात्विक बंध।
हमें अपने इस अध्याय में बच्चों तीन बंध के बारे में पढ़ना है। पहले जो तीन बंध हैं आयनिक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंध, तो एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अपना आयनिक बंध। जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है आयनिक बंध, यानी इसमें आयन आ रहे हैं, यानी इस प्रकार के बंध किसके बीच बनेंगे, आयनों के बीच बनेंगे। अब वो आयन जो है वो विपरीत आवेश उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये नियम है कि समान आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान अ आकर्षित अ, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक धनायन और एक ऋणायन, यानी एक परमाणु के ऊपर प्लस आवेश है, दूसरे परमाणु के ऊपर ऋण आवेश है। जब ये दोनों आयन एक दूसरे के समीप आकर परस्पर आकर्षण बल, और उस आकर्षण बल को कहते हैं हम स्थिर विद्युत आकर्षण बल, उसके द्वारा बंधते हैं, तो बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। तो इसको हम किस प्रकार से समझेंगे बच्चों, आयनिक बंध को हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। तो हमें यहां पर आवेशित आयनों की आवश्यकता होती है इस बंध के निर्माण के लिए। इसको आप लिख लें बच्चों, उसके बाद हम एक उदाहरण लेंगे आयनिक बंध को समझने के लिए, और उदाहरण लेंगे हम यहां पर NaCl, उदाहरण लेंगे हम NaCl अणु का बनना। NaCl का नाम भी हमें पता होना चाहिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड। अब जब आप अणुसूत्र बनाना सीख चुके हैं बच्चों, तो नाम से अणुसूत्र बनाना और अगर आपको सूत्र दिया है तो उसका नाम लिखना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए Na किसका प्रतीक है, सोडियम का, तो इसका नाम है सोडियम, और Cl किसका प्रतीक है, क्लोराइड, क्योंकि दाईं तरफ हमने कहा था ऋणायन लिखे जाते हैं, तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अणु में आयनिक बंध उपस्थित होता है, इसलिए आयनिक बंध को समझने के लिए हम एक सीधा सिंपल सा उदाहरण लेंगे NaCl अणु का। आप ये नोट कर लें फटाफट ताकि हम आगे अपनी बात बढ़ा सकें। रासायनिक बंध की परिभाषा की बात हमने की है बच्चों, और उसके बाद रासायनिक बंध कितने प्रकार के हैं ये बात हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने शुरुआत की है आयनिक बंध से। आयनिक बंध की परिभाषा, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। और हर बात हम विज्ञान जब पढ़ते हैं बच्चों, तो उदाहरण के द्वारा हम उसकी पुष्टि जरूर करते हैं ताकि हमें अच्छे से वो बात समझ में आ जाए, और इसीलिए हम एक उदाहरण NaCl अणु का निर्माण किस प्रकार होता है इसको लेकर के अपनी बात समझाने का प्रयास आपको करेंगे।
चलिए एक स्लाइड के द्वारा बच्चों आप NaCl अणु का निर्माण समझिए जरा. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड अणु का निर्माण किस प्रकार होता है इसको जरा हम समझें. आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों एक चित्र. सबसे पहला ये जो Na सोडियम परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है ये चित्र और दूसरा जो गोला है आपको क्लोराइड परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है. अब NaCl अणु में पहला परमाणु Na की बात करते हैं बच्चों. सोडियम परमाणु क्रमांक 11 रखता है. 11 परमाणु क्रमांक में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है तो उसको भरे जाने का तरीका क्या होगा. पहला जो कोश है नाभिक के बाद उसके अंदर हमारे आते हैं दो इलेक्ट्रॉन. आपको ये क्रॉस गुणा के चिन्ह के द्वारा इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं बच्चों. तो पहले वाले कोश में आपको एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन नीचे यानी दो इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोश में उपस्थित हैं और इसी के साथ पहला कोश पूरा हो जाता है. उसके बाद बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में प्रवेश करते हैं. आप देखिए ये जो है हमारे दो इलेक्ट्रॉन यानी दो क्रॉस आपको यहां नजर आ रहे हैं. दो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में, इसी प्रकार ये दो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में, दो और दो 4. उसके बाद देखिए नीचे दो इलेक्ट्रॉन यानी 6 और दो और जुड़ जाते हैं इसमें, 6 और 2 8. तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही सेकंड कोश दूसरे कोश में भरे जाते हैं बच्चों. और अधिकतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8. तो ये भी पूरा हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है. लेकिन दो अंदर वाले कोश में और 8 बाहर वाले कोश में भरने के बाद भी बच्चों इस सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और बच जाता है क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11. अब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे वाले कोश के अंदर प्रवेश करता है ये देखिए यहां, और इसी ने इसकी बात बिगाड़ दी. अगर ये नहीं होता बच्चों तो बाह्यतम कोश दूसरा कोश होता जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्थायी होता. लेकिन चूंकि अब ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया और अब ये परमाणु क्या करेगा, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करेगा. दूसरी तरफ हम बात करें बच्चों क्लोरीन परमाणु की. आप देखिए Cl क्लोरीन का प्रतीक है. आप देखिए पहला कोश जो है बच्चों इसके पास क्लोरीन 17वें नंबर पर आता है यानी इसकी परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है 17. 17 के इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे और इनको भरे जाएंगे बच्चों पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन. आप देखिए नीले गोले जो आपको प्रदर्शित किए जा रहे हैं बच्चों चित्र में, यहां देखिए आप Cl के ऊपर पहले वाले कोश में एक गोला और नीचे वाले कोश में ये नीचे एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए पहले वाले कोश में दो इलेक्ट्रॉन. उसके बाद बारी आती है दूसरा कोश भरने की और हम यहां देखते हैं आपके देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन, दो और दो ये 4 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन और 4 और 2 6 और उसके बाद दो और मिलके 8 हो जाते हैं. तो ये भी पूरा हो जाता है. अभी भी 8 यहां दूसरे कोश में और 2 पहले कोश में भरने के बाद भी बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा रहे हैं और बच गए हमारे 7 इलेक्ट्रॉन. 7 इलेक्ट्रॉन के भरने के लिए फिर क्रम तीसरे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, तीसरे कोश को भरा जाता है. 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां, 2 और 2 4. इसी प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां नजर आ रहे हैं, टोटल हो गए 6 और बच गया केवल एक इलेक्ट्रॉन जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तीसरे कोश में. तो कुल संख्या हो गई बच्चों 7. अब इसकी भी बात बिगड़ी हुई है. क्यों बिगड़ी हुई है, क्योंकि इसके पास भी 8 तो है नहीं. अगर ये दोनों परमाणु आपस में अकलमंदी लगाएं, आपस में समझदारी लगाएं, तो क्या हो सकता है, दोनों ही संतुष्ट हो सकते हैं और दोनों ही अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं यानी बाह्यतम कोश में 8 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए ये क्या कर सकता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास ज्यादा इसे महसूस हो रहा है वो ये इसको क्लोराइड परमाणु को दे सकता है, क्लोरीन परमाणु को दे सकता है. जिससे इसका भला क्यों हुआ कि अब इसका अष्टक जो है वो पूरा हो गया, बाह्यतम कोश खाली हो गया और अंदर वाला कोश 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है. दूसरी तरफ ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इसके भी तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका भी अष्टक पूरा हो गया.
लेकिन बच्चों ऐसा करने पर सोडियम, अब सोडियम का परमाणु नहीं रहता, वो एक आयन में बदल जाता है। कैसे? आप देखिए Na के ऊपर आपको एक प्लस का चिन्ह नजर आ रहा है, ये धनायन में परिवर्तित हो गया। दूसरी बात आप देखिए, इस सोडियम परमाणु की तुलना में धनायन का आकार अब क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि एक कोश पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये सोडियम आयन में बदल जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस साइन इसके ऊपर लग रहा है, ये यानी ये क्लोराइड आयन में बदल जाता है। यहां आप देखिए तीसरे कोश में जो बच्चों आपको नजर आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये क्रॉस साइन वाला है, ये कहां से मिला है? इसे सोडियम से मिला है और ये इसका अपना था। तो इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से क्लोरीन के ऊपर माइनस आवेश आ जाता है। अब हमारे पास है एक सोडियम आयन और दूसरा है हमारे पास क्लोराइड आयन। अभी जब हमने बात की थी दोनों आयनों पर आवेश विपरीत है, इस पर प्लस और इस पर माइनस, दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं आकर्षण बल के द्वारा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा, और निर्माण करते हैं NaCl अणु का। तो बच्चों ये कहानी तो हो गई आपकी NaCl का निर्माण किस प्रकार होता है। उसके बाद चलिए अब हम बोर्ड पर और समझने का इसको प्रयास करें। देखिए हम बात कर रहे थे सोडियम के परमाणु की, परमाणु क्रमांक है बच्चों इसका 11 और इसीलिए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, 8 और 1। इसका विन्यास किस प्रकार लिखेंगे हम? पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। हमें क्या करना है, इसके बाह्यतम कोश को ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और ऐसा करने के लिए बच्चों हमें क्या करनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम के नाभिक ने अपने पास बांध रखा है। अब हमें उसको ऊर्जा देकर उससे इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करना है। तो हम यहाँ क्या देंगे बच्चों? ऊर्जा देंगे इसको। ऊर्जा देने से जो इसका बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाएगा। सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाने से एक प्लस का आवेश आ जाएगा और इसका विन्यास रह जाएगा 2, 8। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर निकल गया, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस ऊर्जा को बच्चों वो ऊर्जा जो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक होती है, इस ऊर्जा को, जो ऊर्जा हमने इसे दी जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाया, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इस ऊर्जा का क्या नाम है? आयनन एंथैल्पी। आपके किताबों में ये नाम सुझाया हुआ है बच्चों। साथ ही साथ आप यदि और किसी किताब को रेफर करेंगे और किसी किताब से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको इसके लिए और भी टर्म मिल सकती है, जैसे आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी एक ही बात है, या फिर एक और टर्म मिल सकती है आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा और आयनन विभव से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन एंथैल्पी क्या है। ये वो ऊर्जा की मात्रा है जो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक होती है। तो बच्चों सोडियम, सोडियम धनायन में बदल चुका है। और इसी प्रकार यदि हम क्लोरीन परमाणु की बात करें जिसकी परमाणु संख्या 17 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं 2, 8 और 7 इसका विन्यास है। अब हमें इसके अंदर 7 को 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना होता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही ये Cl- में बदल जाता है। विन्यास इसका हो जाएगा 2, 8 और
वेरी गुड, आठ। साथ में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो क्या हो गया, आठ। अब बच्चों जब ऐसा काम होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो कुछ मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां जब हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था तो ऊर्जा हमें देनी पड़ी थी, जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलती है। आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे बच्चों कि जब किसी परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तब ऊर्जा बाहर निकलती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तब ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। क्यों होता है ऐसा, ये आपके लेवल पर आपको नहीं समझाया गया है, आप अपनी उच्च कक्षाओं में इसका कारण जानेंगे। तो अभी हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो हमें कुछ मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को भी बच्चों एक नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अपनी किताबों में अपने को ये नाम सुझाया गया है। यदि हम किसी दूसरी किताब को देखेंगे बच्चों तो एक नाम और आपको मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोनों एक ही चीज के नाम है। सोडियम से सोडियम आयन बन गया, क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन गया। अब ये दोनों आयन चूंकि एक पर धनावेश है दूसरे पर ऋण आवेश है, एक दूसरे के नजदीक आते हैं बच्चों, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और आकर्षण बल के द्वारा बंद करके, आकर्षण बल, और कौन सा आकर्षण बल है, क्योंकि आयन है तो यह है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इस बल से बंद करके बच्चों एक अणु का निर्माण होता है, Na प्लस Cl माइनस या NaCl। NaCl का अणु बन जाता है जिसे साधारण भाषा में हम नमक कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में, रसायन की भाषा में सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आयनों के मध्य, आयन कैसे हुए, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। इस प्रकार आप अपनी बात को सोडियम क्लोराइड के उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। आप नोट कर लें। चलिए बच्चों लौटते हैं हम एक ब्रेक के बाद। We'll be right back.
से अपनी बात हम कर रहे थे NaCl की। अब बच्चों जो ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल है इसको हम कह रहे हैं आयनिक बंद। एक और नाम इसको सुझाया जाता है बच्चों, वो है विद्युत संयोजक बंद। तो हम आयनिक बंद को विद्युत संयोजक बंद भी कहते हैं। और ऐसे सब यौगिक बच्चों जिनमें ये आयनिक बंद उपस्थित होता है उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। दूसरी बात, ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंद उपस्थित होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तो बच्चों NaCl एक किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक यौगिक है, क्योंकि ये आयनों से मिलकर के बना है। अब आप देखिए NaCl की यदि हम एक पूरे क्रिस्टल की बात करें, यानी इसमें आयन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं एक पूरे क्रिस्टल जालक में, तो बच्चों होता क्या है, ऐसा नहीं है कि NaCl अणु में केवल एक Na प्लस और एक Cl माइनस आयन उपस्थित हो। एक निश्चित संख्या में, जब भी हम एक क्रिस्टल जालक की बात करेंगे यानी एक बड़े से NaCl के क्रिस्टल की बात करेंगे, उसके जालक की बात करेंगे बच्चों, तो हर धनायन यानी हर सोडियम परमाणु, प्रत्येक सोडियम आयन जो Na प्लस है, वो निश्चित संख्या में अपने चारों ओर क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। ये संख्या भी निश्चित होती है बच्चों। NaCl के पूरे क्रिस्टल जालक में एक सोडियम आयन अपने चारों तरफ 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है, और फिर ये क्लोराइड आयन अपने चारों तरफ 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। इस प्रकार पूरे क्रिस्टल के अंदर ये व्यवस्था चलती रहती है, यानी हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ और हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ होता है और एक व्यवस्थित जालक का निर्माण करता है। वो जालक क्या है, कैसा होता है, इसको आप एक पीपीटी के द्वारा आप देखिए एक स्लाइड में। लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जालक किस प्रकार का होता है बच्चों? ये क्रिस्टल जालक इस प्रकार का है, आप देखिए इसके अंदर आपको दो चित्र दिखाए हुए हैं। जो आपको ये हरे रंग का गोला है बच्चों, वो क्लोराइड आयन को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ये जो पर्पल बैंगनी रंग का गोला है ये आपको सोडियम आयन को प्रदर्शित कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे इस संरचना को थोड़ा सा खुला दिखाया गया है बी चित्र के अंदर। आप देखिए ये सोडियम आयन, सोडियम आयन के पीछे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन के बाद पीछे सोडियम आयन, और ये व्यवस्था लगातार चालू है, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम। अगर हम बीच के, ये देखिए जैसे हम इस नीले रंग के सोडियम आयन की बात करें बच्चों, ऊपर की तरफ एक क्लोराइड आयन से घिरा हुआ, नीचे की तरफ दूसरे क्लोराइड आयन से घिरा हुआ, तीसरी तरफ आप देखिए ये इधर तीसरे क्लोराइड आयन से घिरा हुआ, और चौथी तरफ बाई तरफ जाइए आप, ये चौथे क्लोराइड आयन से घिरा हुआ, और इधर देखिए आप ये पीछे की तरफ, ये एक और हरा बॉल आपको दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ एक पांचवे क्लोराइड आयन से घिरा हुआ, और ये आगे की तरफ छठे क्लोराइड आयन से घिरा हुआ। इस प्रकार हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, और अगर हम क्लोराइड आयनों की बात करें बच्चों, तो ये क्लोराइड आयन भी आप देखिए 6 क्लोराइड सोडियम आयनों से घिरा हुआ है, एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम, चौथा सोडियम, और इस प्रकार आगे और पीछे, यानी एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, और एक आगे और एक पीछे। इस प्रकार हर धनायन 6 ऋणायनों से और हर ऋणायन 6 धनायनों से
घिरावा होता है और इस प्रकार का एक संरचना हमको देता है। ये पूरा का पूरा आपको NaCl का क्रिस्टल जालक प्रदर्शित किया गया है। आइए लौटे अपनी क्लास में। जब हम ये जान चुके बच्चों कि आयनिक बंध का निर्माण किस प्रकार होता है, आयनों के मध्य आकर्षण बल से ये बंध बनते हैं और इस बंध से बने हुए यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं, तो जानना जरूरी हो जाता है कि इन आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म हैं, इनकी कैसी प्रकृति होती है। तो आगे हम अपनी बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणों से। सबसे पहले बच्चों यदि हम बात करें इसकी प्रकृति की, तो आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं बच्चों वो सब ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और उनकी प्रकृति होती है बच्चों भंगुर। तो हम क्या कहेंगे इनकी प्रकृति या भौतिक अवस्था की बात करेंगे, आयनिक यौगिक ठोस, कठोर तथा भंगुर होते हैं। समझने का प्रयास करेंगे, ठोस है बच्चों, कठोर है और भंगुर है। कठोर क्यों है बच्चों, क्योंकि जो विपरीत आवेशित आयन है वो इतनी मजबूती से बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ कि बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट, एक बिल्कुल बंधी हुई संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, ठोस और कठोर हो जाती है। अब भंगुर क्या है शब्द बच्चों, कि यदि हम किसी आयनिक यौगिक पर चोट करते हैं तो वो आयनिक यौगिक थोड़े से ही क्षण में टूट करके बिखर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा आप समझे, ये धनायन, ये ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, इसी प्रकार यहां ऋणायन, यहां धनायन, यहां ऋणायन, यहां धनायन। क्यों? क्योंकि वही बात, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक धनायन के पास ऋणायन बनेगा और ऋणायन के पास क्या बनेगा, धनायन बनेगा। जब बच्चों इस क्रिस्टल पर चोट की जाती है तो ये परत जो है वो थोड़ी सी खिसक जाती है और खिसक जाने से अब व्यवस्था क्या बन जाती है, यहां से तो जगह छूट जाती है और ये प्लस धनायन यहां, ऋणायन यहां, धनायन यहां, और नीचे वाली परत तो ऐसे के ऐसे ही है हमारी, वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। अब आप देखिए समान आवेश एक दूसरे के समीप आ गए हैं और इनका जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है और क्रिस्टल जो है पूरा का पूरा टूट करके बिखर जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आयनिक यौगिक जो हैं वो ठोस, कठोर लेकिन भंगुर प्रकृति के होते हैं। यदि हम इनके लिए दूसरी बात करें, गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बच्चों, अध्याय दो में हम आपको बता चुके हैं। वो ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है उसे हम गलनांक कहते हैं और वो ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। चूंकि ये यौगिक, आयनिक यौगिक जो हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, तो इनके मध्य जो आयनों के मध्य आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि जब वो आकर्षण बल टूटेगा बच्चों तभी वो ठोस से किसमें बदलेगा, द्रव अवस्था में बदलेगा, या द्रव से किसमें बदलेगा, गैस अवस्था में आएगा। अब जब आकर्षण बल मजबूत है तो उसे तोड़ने के लिए हमें भी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ये सामान्य सी बात है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक चूंकि मजबूत बलों से बंधे होते हैं इसीलिए गलनांक और क्वथनांक के मान उनके उच्च होते हैं। उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि
मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, यदि हम करें इसकी विलेयता, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, वो चूंकि आयनिक यौगिक में आयन विद्यमान है, इसलिए वो ऐसे विलायकों में विलेय होंगे जिनमें की आयन हो, यानी ध्रुवीय विलायकों में विलेय होंगे, जबकि अध्रुवीय विलायकों में ये अविलेय रहेंगे। एक विज्ञान का सूत्र है बच्चों, समान को घोलता है, अंग्रेजी में कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी जो जैसा है वो वैसे ही पदार्थ को अपने अंदर घोलता है। तो जब हमारे आयनिक यौगिकों में आयन उपस्थित है, जैसे हम अगर NaCl की बात कर रहे थे बच्चों, ये कौन कौन से आयनों से मिलकर बना है, Na+ और Cl- आयन से मिलकर के बना है। तो अब जब इसे किसी विलायक में घोला जाता है, जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, जल में यदि हम इसे घोलें बच्चों, तो जल में भी H+ और OH आयन उपस्थित है, इसलिए इसमें भी आयन, आयनिक यौगिक में भी और विलायक में भी आयन, तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को घोल लेते हैं। इसका धन आवेश इसके ऋण आवेश के पास जाने का प्रयास करता है और इसका ऋण आवेश इसके धन आवेश के पास आने का प्रयास करता है। इस प्रकार क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो घुल जाता है। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ ये करें, अध्रुवीय विलायक यानी जिसमें आयन नहीं है, ऐसे विलायक का एक उदाहरण जैसे हम आपको बता रहे हैं बेंजीन, उसमें अविलेय होते हैं, उसमें नहीं घुलते हैं। दो और इसके गुण ले लें बच्चों, कक्षा समाप्ति का समय हो रहा है। चौथा गुण हम बात कर रहे हैं चालकता। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, ऊष्मा का चालन करते हैं, तथा पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इसको समझे बच्चों, ऊष्मा के चालन से क्या तात्पर्य है, यदि हम एक छड़ को लेकर, कोई धातु की छड़ लेकर उसको एक सिरे से गर्म करेंगे, तो थोड़ी समय पश्चात हम महसूस करेंगे बच्चों, धातु का केवल वही सिरा गर्म नहीं होता, दूसरा सिरा भी हमें गर्म ही महसूस होता है। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस छड़ में से, धातु की छड़ में से, ठोस में से, और जो कोई भी हमारा आयनिक यौगिक है उसमें से ऊष्मा का चालन हो पाया है। इसी प्रकार यदि आप ये बात करें, पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन ही करता है बच्चों, ठोस अवस्था में आयन अपनी जगह बने हुए हैं, लेकिन जब उन्हें पिघली हुई अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो आयन स्वतंत्र हो जाते हैं गति करने के लिए और वो विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं। पांचवी बात हम करें, अभिक्रियाएं। आयनिक प्रकृति की होती है, क्योंकि आयनिक यौगिक आयन से मिलकर बना है, तो इसकी अभिक्रिया आयनिक प्रकृति की होती है और इसीलिए तीव्र गति से संपन्न होती है।
आप नोट कर लें फटाफट से। इसके बाद की बात को हम अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे बच्चों। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रकृति की बात की, दूसरी हमने गलनांक और क्वथनांक, तीसरी विलेयता हो गई, चौथा आपका चालकता और पांचवा है अभिक्रिया। आयनिक प्रकृति की अभिक्रियाएं होती हैं और इसीलिए तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। इतनी बात बच्चों हो गई है आयनिक बंध की। अगली कक्षा में जब हम मिलते हैं बात करेंगे हम सहसंयोजक बंध की उदाहरण के साथ। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।